गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप देखोगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में। पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम शुरू करने से पहले आपको बता दें कि हम बायोटेक्नोलॉजी में आ गए हैं। प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस के बारे में हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैं आपको इस चैप्टर की 5 वीडियो दे चुका हूँ। 5 वीडियोज में आपने देखा होगा कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ये बायोटेक्नोलॉजी वर्ड किसने दिया था और इसकी प्रोसेस क्या है, बायोटेक्नोलॉजी की जो स्टेप्स हैं वो क्या हैं, उनके बारे में आपने जान लिया था। तो एक हमारा जो नींव है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो हमारा ऑलरेडी बन चुका है। तो इस वीडियो में हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में देखेंगे कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या हैं। आपको पता होगा कि जब हम टेलर पर जाते हैं तो वहां पर कैंची होती है, टेलर पर कपड़े काटने वाली कैंची होती है। नई की दुकान पर जाते हैं तो वहां पर उसकी अलग कैंची होती है, बाल काटने वाली अलग कैंची होती है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहां पे अलग कैंची होती है, छोटी सी उसकी पट्टी वट्टी काटने की अलग कैंची होती है। तो अलग अलग कैंची होती है। ऐसे ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोले तो ये मॉलिक्यूलर फीचर्स हैं जो डीएनए मॉलिक्यूल बेसिस पे काम करते हैं। डीएनए एक लार्ज मॉलिक्यूल और डीएनए को काटते हैं। तो ऐसी फीचर्स या फिर हम कह सकते हैं ऐसी कैंचियां जो मॉलिक्यूल्स को काटने में काम करती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर सीजर्स कहेंगे। तो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कई तरह के होते हैं और ये भी हमारे मॉलिक्यूलर सीजर्स हैं, यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस पे ये मॉलिक्यूल्स को काटने के काम करते हैं। तो ये देख लेते हैं हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। हमारा टॉपिक है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, तो इसमें हम क्या कहेंगे, हमारा पहला पॉइंट यहां सीधा बन रहा है द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर ऑल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर्स। इनको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं। मॉलिक्यूलर सीजर्स का मतलब ऐसी कैंचियां जो मॉलिक्यूलर बेस पर काम करती हैं, उनको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर सीजर्स इनको कहते हैं, जो मॉलिक्यूल बेस पर बड़े बड़े मॉलिक्यूल को काटने में काम करते हैं। दीज आर, सेकंड वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग डीएनए। ये जो है डीएनए को काटने में काम करते हैं, क्योंकि आपको पता है बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, डीएनए की काट छांट करना और डीएनए की काट छांट करके किसी दूसरे डीएनए के साथ उसे जोड़ देना, इसी को तो हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो अब काट छांट करने में, डीएनए को काटने में कौन यूज होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज होते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से ही हम डीएनए को काट सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब बात आती है द पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की, द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लिएज जिसका क्या नाम था, हिंद सेकेंड वाज आइसोलेटेड बाय स्मिथ विलकॉक्स
एंड कैली एंड कैली कब की बात है ये 1968 फ्रॉम किससे लिया था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया ठीक। अब ये देखते हैं भाई इस लाइन का क्या मतलब रहा कि जो पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज है ये मैं एंडोन्यूक्लिएज के बारे में बताऊंगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो तरह के होते हैं एक एक्जोन्यूक्लिएज और एक एंडोन्यूक्लिएज। एक्जोन्यूक्लिएज जो डीएनए को बाहरी तरफ से काटता है यानी कि सिरों से काटता है उनके एंड से डीएनए को काटेगा तो उसे हम क्या कहेंगे एक्जोन्यूक्लिएज। और डीएनए को बीच में से काटेगा कहीं से भी ऐसा नहीं बिल्कुल मिडिल पॉइंट से काटे बीच में कहीं से भी काटेगा थोड़ा इधर से होया थोड़ा इधर से तो उसे हम क्या कहेंगे एंडोन्यूक्लिएज। ठीक है तो रेस्ट्रिक्शन फर्स्ट जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज जो है वो तीन साइंटिस्टों ने आइसोलेट किया था उसे निकाला था। पहला वाला कौन सा था स्मिथ दूसरा वाला साइंटिस्ट विलकॉक्स तीसरा वाला कैली। कब की बात है ये 1968 की बात है। इन्होंने इस एंजाइम को पहला जो एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है ये रेस्ट्रिक्शन ये किससे निकाला था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एक बैक्टीरिया है तो उससे निकाला था। बैक्टीरियम जो सिंगुलर फॉर्म होती है बैक्टीरिया होती है प्लूरल फॉर्म तो यहाँ पर हम एक बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की बात कर रहे हैं हम तो वो किस उससे क्या निकला है पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज क्या है ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कैंची की तरह काम करता है और डीएनए को बीच में से काटता है। कब निकाला था ये 1968 में निकाला था। किस किसने निकाला था विलकॉक्स स्मिथ एंड कैली ने निकाला था। ठीक है भाई ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। दूसरा वाला पॉइंट देख लेते हैं इट वाज कट टू डीएनए इट वाज कट टू डीएनए मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स एट ए पर्टिकुलर पॉइंट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ सिक्स बेस पेयर्स दिस recognizing sequence is called this recognizing sequence is called cutting sight। अब यहां पे एक बात देखेंगे आप इसका मतलब क्या होता है कि ये जो है हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है मॉलिक्यूलर सीजर जो है ये डीएनए मॉलिक्यूल को काटता है एक पर्टिकुलर पॉइंट से काटेगा
एक फिक्स जगह से काटे, ऐसा नहीं है कहीं से भी चलाओ कहीं से उड़ा दिया। जैसे कैंची है, नाई कैंची को काटता है बालों को, ऐसा नहीं है कि यहां से ऐसे उड़ा दिया, यहां से ऐसे उड़ा दिया, बन गया तो खाने का सब काम, एक स्पेशल फॉर्म में ही काटता है। तो ये जो है वो एक स्पेशल मैनर में काट रहा है। यहाँ पे ये क्या है कि पर्टिकुलर पॉइंट से ही डीएनए को काटता है, एक फिक्स जगह से ही काटेगा डीएनए सीक्वेंस, डीएनए मॉलिक्यूल को एक फिक्स जगह से ही काटेगा ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और उस फिक्स जगह को हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक सीक्वेंस कह लो या फिर कटिंग साइट कह लो, जहां से उसे, जहां से वो कटा है, या तो कटिंग साइट कह लो या फिर रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस कह लो, या रिकॉग्नाइजिंग स्पेसिफिक सीक्वेंस कह लो, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी अब तक की बात थी। तो ये समझ में आया आपको, तीन चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी। पहला वाला कौन सा है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर्स कहते हैं। और ये जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स किसके काम आते हैं, डीएनए को काटने के काम आते हैं। पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हिंद सेकंड था, सबसे पहला जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम खोजा गया है उसका नाम क्या है, हिंद सेकंड नाम है। और उसको किसने आइसोलेट किया था, किसने उसको अलग किया था, स्मिथ विलकॉक्स और कैली ने उसे अलग किया था। कब किया था, 1968 में किया था। किससे अलग किया था, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी एक बैक्टीरिया है उसमें से इन्होंने पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को निकाला था। अच्छा, ये जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए मॉलिक्यूल को एक स्पेशल जगह से ही काटते हैं, और उस स्पेशल जगह को हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंस कह लीजिए या फिर आप कटिंग साइट कह लीजिए। ठीक है, ये था हमारा अब तक की कहानी, तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि हमारी आगे की कहानी क्या है। ठीक है, तो आप या तो चलते चलते स्क्रीन शॉट ले लिया करो भाई, या फिर आप लिख लिया करो साथ ही साथ नोट्स बनाते हुए चलना। अब जो बात आती है वो आती है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। नेक्स्ट वाला पॉइंट क्या हमारा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बिलोंग टू ए क्लास, बिलोंग टू ए क्लास ऑफ एंजाइम्स, ऑफ एंजाइम्स कॉल्ड न्यूक्लियस, कॉल्ड न्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो ये हैं, ये एंजाइम की न्यूक्लियस क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कितने तरह के होते हैं, टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। पहला वाला क्या है ये देख लेते हैं, एक्जो न्यूक्लियस, एक्जो न्यूक्लियस। और दूसरा वाला क्या है, एंडो न्यूक्लियस। एक्जो न्यूक्लियस कट डीएनए एट एंड्स, और कट एट स्पेसिफिक पोजिशन, एट स्पेसिफिक पोजिशन विद इन डीएनए। देखिए दोनों तरह को देख लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है भाई कि डीएनए जो है ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स
एंजाइम्स की कौन सी क्लास से आते हैं? न्यूक्लियस क्लास से आते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंजाइम की न्यूक्लियस क्लास से होते हैं, क्योंकि एंजाइम्स भी कई सारे तरीके के होते हैं। तो ये न्यूक्लियस क्लास है, उससे ये हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कितने तरह का होता है भाई? तो आपने देखा कि हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दो तरह के होते हैं। पहला वाला जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसको हम क्या कहते हैं, पहले वाले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को एग्जो न्यूक्लियस एंजाइम कहते हैं। एग्जो न्यूक्लियस एंजाइम यानी कि जो डीएनए को आसपास से काटे, जैसे ये डीएनए का मॉलिक्यूल है, ये हमारा डीएनए का मॉलिक्यूल। अगर इस डीएनए को यहां से काट रहा है और यहां से काट रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, रेस्ट्रिक्शन एग्जो न्यूक्लियस। ठीक है भाई, जो डीएनए को उसके एंड से काट रहा है। ठीक, अच्छा, और एग्जो एंडो न्यूक्लियस क्या होता है, जो डीएनए को अंदर से काटे एक स्पेशल पोजीशन से, यानी कि डीएनए को यहां से काट देता है तो उसे हम क्या कहेंगे, एंडो न्यूक्लियस एंजाइम। डीएनए के काटने के बेसिस पर हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दो तरह के होते हैं, पहला है एग्जो न्यूक्लियस और दूसरा है एंडो न्यूक्लियस। एग्जो न्यूक्लियस एंजाइम जो डीएनए को आसपास से काटता है, और एंडो न्यूक्लियस एंजाइम जो डीएनए को उसके बीच में से काटता है किसी भी पोजीशन से, यानी डीएनए के अंदर से काटता है, उसे हम क्या कहेंगे, एग्जो न्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, अच्छा, और स्पेशल पोजीशन से काटता है। ठीक, अच्छा, इन अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट वाला पॉइंट हमारा क्या कहता है, द रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस, द रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ एंडो न्यूक्लियसेस आर एंडो न्यूक्लियसेस आर पैलिंड्रोमिक, जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है इनको हम क्या कहेंगे, स्पेशल, मैंने क्या बताया था पहले भी, कटिंग साइड कह लो या स्पेशल सीक्वेंस कह लो या फिर पैलिंड्रोमिक साइड कह लीजिए, पैलिंड्रोमिक। ठीक, अब ये पैलिंड्रोमिक क्या होते हैं ये देख लेते हैं। पैलिंड्रोमिक क्या होते हैं भैया, ये देख लेते हैं। द सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स रीड द सेम ऑन बोथ द डीएनए स्ट्रैंड्स, when orientation of reading of reading is kept same। एग्जाम्पल देखिए भैया, एग्जाम्पल इसका क्या होगा, GAAT स्पेसिफिक, ये सीक्वेंस कैसा है, GAAT C। ये जो डीएनए का एंड कौन सा है, 5-3 होगा। ठीक, और ये वाला कौन सा होगा, 3-5 होगा। ठीक है, ये देख लेते हैं। अब देखिए कहानी क्या, देखिए यहां तक मैंने आपको समझा दिया था
एंडोन्यूक्लियस स्पेसिफिक पोजीशन से डीएनए में काटता है। उस अब रिकॉग्निशन साइट यानी कि स्पेसिफिक पोजीशन जो होती है उसको हम क्या कहेंगे, पैलिंड्रोमिक कहते हैं। उस स्पेशल पोजीशन को हम क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक कहते हैं। पैलिंड्रोमिक जो है जो सीक्वेंस का एक बेस पेयर है, पैलिंड्रोमिक बेस पेयर बेस पेयर का सीक्वेंस है जो दोनों साइड से रीड द सेम ऑन बोथ स्ट्रैंड, दोनों साइड से एक जैसा पढ़ा जाता है, जैसे कैप्ट सेम एक जैसा ही पढ़ा जाता है। जैसे अगर हम 5-3 डैश पढ़ रहे हैं तो GAA-TTC और फिर हम 5-3 डैश पढ़ रहे हैं तो GAA-TTC सेम जाएगा, 5-3 डैश पढ़ेंगे तो सेम जाएगा, GAA-TTC 5-3 डैश है GAA-TTC। या फिर ऐसे कर सकते हैं 3-5 पढ़ेंगे इधर तो इधर भी 3-5 पढ़ेंगे हम CTTAAG और 3-5 पढ़ेंगे तो वही CTTAAG यानी स्पेशल है। जैसे आपने एक वर्ड देखा होगा मलयालम, मैं मलयालम हमारी एक केरला की लैंग्वेज है, मलयालम म ल या ल म ठीक, मलयालम लैंग्वेज हो गई है। तो यहां पे भी क्या हो गया, देखिए म ये मलयालम को कैसे भी पढ़ लो एक जैसा पढ़ा जाएगा, म ल एम ए एल ए, यहां ऐसे लिखा जाएगा ये एम ए एल ए। अब देखिए एम ए एल ए वाई ए म ल या ल म सेम लिखा है, चलो ऐसे इधर से ही पढ़ लो इसे, 5-3 डैश इधर से देख लेते हैं और 5-3 डैश इधर से भी देख लेते हैं, 5-3 डैश इधर से भी इधर से म ल या ल म मलयालम म ल या ल म एक ही बात है म ल या ल म, चाहे आप इधर से पढ़ लो चाहे आप इधर से पढ़ लो दोनों साइड से सेम पढ़ा जाएगा, ऐसे ही ये कहा। तो ऐसे सीक्वेंस जो दोनों साइड से पढ़ने पर सेम पढ़े जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस उनको हम कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई आपकी, ये रही बात। अब ये हमारे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, दोनों तरह से एक पढ़े जाएंगे। अब कहानी आती है कि एक्जोन्यूक्लियस एंजाइम हो गया हमारा, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हो गया, एक्जो और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हो गए। अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है उनका नेम कैसे रखा जाए, ये कहानी हमारी आती है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नेम कैसे हमारा रखा जाए, तो नेमिंग हमारी जो आगे की जो हेडिंग है वो क्या है, नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का नेमिंग क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की नेमिंग ये हमारी आगे की हेडिंग। भाई देखो आपने देखा होगा कि कैंची हमारी अलग अलग तरह की होती है, हमने एक कैंची नाम ले, कैंची हमारी अलग अलग तरह की होंगी, डॉक्टर की भी कैंची है, बाल काटने वाली कैंची है, कपड़ा काटने वाली कैंची है, कागज काटने वाली कैंची है, लोहे काटने वाली बड़ी बड़ी कैंची आती है जो लोहे की पतली चादर को काटती है। तो कैंची हमारी कई कई तरह की होती है, अलग अलग तरह की होती है। ऐसे ही हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है ये मॉलिक्यूलर कैंची है, ये भी अलग अलग तरह की होती है क्योंकि ये अलग अलग स्पेसिफिक सीक्वेंस को काटती हैं, पैलिंड्रोमिक साइट पर अलग अलग काम करती हैं। कोई किसी पैलिंड्रोमिक साइट पर काम करेगा तो कोई किसी पैलिंड्रोमिक साइट पर काम करेगा हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो अब इनका नाम कैसे रखा गया उसको देख लेते हैं, नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स।
नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का नामकरण कैसे रखा जाता है। देखिए पहला वाला पॉइंट है इसमें द फर्स्ट लेटर, द फर्स्ट लेटर इज डिराइव्ड, इज डिराइव्ड फ्रॉम द जीनस, फ्रॉम द जीनस एंड नेक्स्ट टू लेटर्स एंड नेक्स्ट टू लेटर्स फ्रॉम द स्पेसिफिक नेम, फ्रॉम द स्पेसिफिक नेम ऑफ द स्पेसिफिक नेम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब बैक्टीरिया, फ्रॉम वेयर द एंजाइम्स आर एक्सट्रैक्टेड, फ्रॉम वेयर द एंजाइम्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम वेयर आइसोलेटेड, या फिर हम कह सकते हैं एक्सट्रैक्टेड, ज्यादा वर्ड बढ़िया रहेगा, कि जहां से वो निकाला गया है, फ्रॉम वेयर द एंजाइम्स एक्सट्रैक्टेड दूसरा वाला क्या कह रहा है, द रोमन नंबर्स फॉलोइंग द रोमन नंबर्स फॉलोइंग द नेम, फॉलोइंग द नेम, फॉलोइंग द नेम सो इन ऑर्डर, सो इन ऑर्डर इन विच एंजाइम्स वर आइसोलेटेड, एंजाइम्स वर isolated, enzymes were isolated from bacterial strain for example क्या हो गया भैया इसका, E को R, ये फर्स्ट है, E को R फर्स्ट, इज डिराइव्ड फ्रॉम, इज डिराइव्ड फ्रॉम यूसेरिकिया कोलाई, R Y 13। देखिए एंजाइम का नामकरण कैसे होता है, कौन से एंजाइम का नामकरण, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नामकरण कैसे होता है, इसका जो पहला लेटर है वो जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे ये हमारा एक इको आर फर्स्ट है, ठीक है, इसका पहला लेटर को बोले तो ई, किसको रिप्रेजेंट करेगा, जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, जीनस कौन सा हमारा यूसेरिकिया, तो पहला लेटर ई, ई कहां से आया है,
यहां से आया, यूसेरिकिया से आया है, और ये क्या है, जीनस है। तो पहला लेटर जीनस को रिप्रेजेंट करेगा और नेक्स्ट टू लेटर्स उस बैक्टीरिया के स्पेसिफिक नाम को करेंगे, और स्पेसिफिक नाम क्या है, कोलाई। कोलाई दो, नेक्स्ट दो लेटर सीओ। सीओ शब्द कहां से आया है, कोलाई से आया। ये हमारे क्या उसका नाम है, यानी कि स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। पहला जीनस को रिप्रेजेंट करता है, दूसरे स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है, दूसरे दो लेटर या उसके पर्टिकुलर नाम को रिप्रेजेंट करते हैं, सीओ एल आई। तो सीओ कहां से लिया गया है, ये कोलाई से लिया गया है, जो उस प्रोकैरियोटिक सेल का, जो उस बैक्टीरिया का नाम है। प्रोकैरियोट से ही तो बैक्टीरिया होते हैं। अच्छा, आगे वाला जो ये दो यहां तक समझ में आ गया, ई और सीओ, ई जीनस को लिया जा रहा है और सीओ हमारे पर्टिकुलर प्रोकैरियोटिक सेल के नाम से लिया जा रहा है। अच्छा, अब आगे की जो कहानी आती है, आगे जो आर आ रहा है वो किससे आ रहा है, बैक्टीरियल स्ट्रेन से। आर बैक्टीरियल स्ट्रेन से आ रहा है कि कौन सी स्ट्रेन का बैक्टीरिया है, कि आर स्ट्रेन का है, एस स्ट्रेन का है, अलग अलग स्ट्रेन के हमारे बैक्टीरिया होते हैं। तो यहाँ पर आर वाई इस स्ट्रेन का बैक्टीरिया, तो यहां से हमारा आर लिया गया है। और फर्स्ट का मतलब यूसेरिकिया कोलाई से ये पहला एंजाइम सब लिया गया था, तो हमारा ई को आर फर्स्ट, ये पहला वाला है, सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया था ई कोलाई से, तो इसलिए इसका नाम हमने रोमन नंबर में लिख दिया फर्स्ट। अगर इसके बाद और भी, अब एक और आता ई को आर सेकंड, इसका मतलब है कि वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ई को यूसेरिकिया कोलाई से दूसरा खोजा गया है, वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ई कोलाई में दूसरा मिला है, तो उसको हम क्या कहेंगे, ई को आर सेकंड। और तीसरा मिलेगा तो ई को आर थर्ड, चौथा मिलेगा ई को आर फोर्थ, ऐसे मिलते चले जाएंगे, और तो हम उनके नाम भी ऐसे रखते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये कहानी आ गई ई को आर फर्स्ट। ई को आर फर्स्ट का मतलब है कि यूसेरिकिया कोलाई आर वाई 13 से हमारा पहला ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम निकला था। तो ये हमारा ये नामकरण है, इस तरह से हम नाम देते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।